जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए हैं फटाफट अपने ऑब्जेक्टिव का जो है कि मिलान कर लीजिए। चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव का जो है कि आंसर जानते चलिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद जो है कि सरस्वती घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। तो देखिए आप क्या कीजिए, अपने क्वेश्चन में खोजिए, यानी क्लास टेंथ के स्टूडेंट जो भी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए हैं, आपका कोई भी ग्रुप हो इससे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग जो है कि चेंज है। तो देखिए आप में यह क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है, वीडियो को रोक दीजिए और खोजिए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा भी मथुरा पहुँचे थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई। तो DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1886 ऐसे 1886 दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है और 1983 भी है। तो देखिए ऑप्शन आपको क्या हो गया, बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मंदाकिनी का क्या अर्थ है। देखिए मंदाकिनी का अर्थ क्या है, तो मंदाकिनी जो है कि गंगा नदी को जो है कि कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया आपको ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन है। तो देखिए मंदाकिनी पाठ में जो है आपको वह चित्रकूट यानी चित्रकूट की गंगा का जो है कि वर्णन है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, एक है कतवतु, एक सानच सत्री और डी में क्या है कत। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए कतवतु। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि हम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा हन धातु। तो 13 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो किस समास का, इसमें देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए द्वंद्व समास जो है कि इसका सही ऑप्शन होगा आंसर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, भवान भवती भवता भवताम। तो 41 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी भवताम। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए पृष्ठती में धातु क्या है। तो 42 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 42 का सही ऑप्शन आपको होगा बी पृष्ठ ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय से बना अभी ये कौन है। 43 का क्या होगा सही ऑप्शन, 43 का सही ऑप्शन आपको होगा बी हंतुम। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो देखिए राघव में जो होता है अब तद्धित प्रत्यय होता है, लेकिन इसमें देखिए अब नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। तो देखिए ये करमवीर कथा में है जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह गुजरात में हुआ, जो ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसके बचपन का जो नाम था वह मूल शंकर नाम था, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, तो 24 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको ए घर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन हैं। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि जो हैं वह वाल्मीकि हैं। तो 29 का सही ऑप्शन आपको होगा सी वाल्मीकि। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है। तो वह जो है कि सीता को संबोधित किया है, जो कि ऑप्शन आपको एम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जनक की सभा में कौन थी, जनक की सभा में कौन थी। तो देखिए मैत्रेयी थी, मैत्रेयी।
ऑप्शन जो कि आपको ए में है मैत्रेयी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मधुरा बीजियम किसकी रचना है, तो वह गंगा देवी की रचना है जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो देखिए ये कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं, तो दो पद संकलित हैं जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में गयंती देवा किल गीत कानी पद किस गुण से संकलित हैं, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, तो होगा आपको सी, ये विष्णु पुराण से जो कि संकलित हैं, तो 35 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, भारत भूमि किससे जो है कि संबंधित है, यहाँ पर देख सकते हैं किससे शोभित है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी, सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, गढ़वाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, नदियों समुद्रे अस्तम गंछंती, इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, इनका जो है कि सही ऑप्शन देखिए आप लोगों को जो है कि कमेंट करके जो है कि जवाब देना है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, तो ये मंत्री थे जो कि ऑप्शन आपको ए में हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि गोलघर कहाँ है, तो ये पटना में है जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि किसके बिना ज्ञान भार है, तो देखिए क्रिया यानी व्यवहार के बिना ज्ञान क्या है, भार है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि साधु का जो है कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ये साध्वी होगा जो कि ऑप्शन आपको हो गया डी, साध्वी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि मथजोर कतवा में कौन सा अव्यय बनेगा, तो मथित्वा जो कि ऑप्शन आपको जो है कि बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो सर्वदा में जो है कि दा तद्धित प्रत्यय जो कि ऑप्शन आपको सी में है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं रेस्ट ऑब्जेक्टिव का जो आंसर जानने हैं तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए।